हेलो दोस्तों वेलकम टू गेयरफ्लिक ये है द न्यू यमहा फसिनो 125 ट्वेंटी हाइब्रिड और इसे मैं आज रिव्यू कर रहा हूँ ये रिव्यू काफ़ी समय के बाद आया है लेकिन मैंने इसे डिटेल में चलाया है और समझा है कि क्या चेंज हुआ है इसमें हाइब्रिड इसे क्यों कहते हैं और इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स हुई हैं तो चलिए इस रिव्यू में हम बात करेंगे कि क्या नया है इसमें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है गेयरफ्लिक को तो अभी कर लीजिए एंड लेट्स बिगिन दिस रिव्यू 2020 में एक अपडेट या एक नया जनरेशन आया था यम फसिनों का और इसमें बहुत मेजर चेंज हुआ इंजन जो है ये 113 सौ से 125 सौ का हो गया और ओवरऑल जो लुक है इसका ये टोटली चेंज हो गया ऑफकोर्स जो रेट्रो थीम है या क्लासिक थीम है वो इसमें मेंटेन की गई लेकिन उसके अलावा सब कुछ ही ऑलमोस्ट बदल गया तो जो लुक है इसका वो सेम है उसमें कोई चेंज नहीं है डिज़ाइन में कोई चेंज नहीं है वो एब्सल्यूटली सेम है लेकिन जो चेंज हुआ है मेनली आ, वो हुआ है इसके हेड लैम्प में अब ये एक एल की यूनिट है और सेंटर में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक डी का स्ट्रिप है जो काफ़ी ब्राइट है और ये फुल एल की हेड लैम्प है आ, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं हुआ है बाकी जो एलिमेंट्स हैं सारे सेम है आ, इसके एप्रन पे ही इसके टर्न इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे क्रोम की स्ट्रिप आपको दो मिल जाती है थोड़ा सा और प्रीमियम लुक देने के लिए और बीच में सेंटर में जो है यहाँ एप्रन जो है इसका ब्लैक है अब ये जो स्कूटर है ये फुल फाइबर बॉडी की है लेकिन जो इसका फ्रंट मडगार्ड है यानी कि ये ये मेटल का है तो ये इसमें एक बात है यहाँ पे यू का स्टिकर मिल जाएगा यानी यूनी यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम जो है लाइक like सी बाकी कोई चेंज नहीं है इसके लुक में सीट जो है वो भी सेम है अब सीट इसकी काफ़ी अच्छी है क्योंकि काफ़ी चौड़ी है ये सीट आप देखेंगे और राइडर पिलियन दोनों के लिए इसमें जगह काफ़ी है और जो ग्रैब हैंडल है ये भी काफ़ी बड़े साइज़ का है टेल लैंप इज़ द सेम ये भी एल की टेल लैंप है टर्न इंडिकेटर्स भी इसी में एम्बेडेड हैं आप देख सकते हैं और ये एक अच्छी बात है इसकी तो जो लुक है ये बहुत ही डिफरेंट है बाकी स्कूटर्स से एक चीज़ जो नहीं हुई है इसमें वो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो अब फुली डिजिटल है ये सिमिलर है जो पहले रेज एड में भी आया था और इसमें आपको एक्सप्रोमीटर मिल जाता है नीचे ओडोमीटर और एक ट्रिप मीटर मिल जाता है और उसके नीचे यहाँ पे फ्यूल गेज है यहाँ पे राइट साइड में टेल टेल लैम्प है और लेफ्ट में भी तो बहुत ज़्यादा इंफॉमेसन आपको इसमें नहीं मिलती है फॉर एग्जांपल जैसे एन टॉक में या फिर इवन सुजुकी एक्सेस या बर्गमैन में मिलती है उतनी इन्फॉमेसन आपको इसमें नहीं मिलती है फ्यूल एफिशिएंसी की जानकारी इसमें नहीं मिलती है लेकिन आपको इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आती है जैसे टॉप एंड वेरियंट है विद डिस्क उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है यमाहा कनेक्ट ऐप से अगर आप इसे पैर करें तो आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है फॉर एग्जांपल आपको आंसर बैक एक फ़ीचर है जहां से इसके इंडिकेटर्स ब्लिंक होने लग जाते हैं और हॉर्न भी इसका बीप होता है राइडिंग हिस्ट्री आपको इसमें से मिल सकती है आप लोकेट कर सकते हैं आपकी वहीकल कहाँ पर पार्कड है आ, इसके अलावा आपको इसमें हेज़ार्ड का एक स्विच मिल जाता है और पार्किंग रिकॉर्ड यानी कि एक रूट मैप दिखाता है आपकी करंट लोकेशन का कि आपने कहाँ इसे पार्क किया है उसके अलावा एक और फीचर जो इसमें पहले भी आता था वो ये है स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी इसमें है अगर आप इसे ऑन करके रखते हैं तो आइडल पे अगर आपकी स्कूटर है तो इसका इंजन कट ऑफ हो जाता है और ब्रेक दबा के एक्सेलेटर एक बार ब्लिप करने से ये फिर से स्टार्ट हो जाती है इसका जो इग्निशन का कॉम्बिनेशन स्विच है वो भी सेम है इसमें कोई चेंज नहीं है ऑन ऑफ लॉक और इसमें सीट ओपनिंग भी यहीं से है तो यानी सीट खोलने के लिए आपको चाबी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है स्विचेस की बात करें तो यहाँ पे आपको हेड लैम्प ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है जो एक अच्छी बात है क्योंकि जब इसे आप बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट करें तो सिर्फ एलईडी ग्लो होता है और जब इसे आप ऑन करें तो हेड लैम्प ऑन हो जाती है यहाँ पर ऊपर की तरफ स्टार्ट स्टॉप का स्विच है और नीचे स्टार्टर बटन है लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम का स्विच मिल जाता है पास का स्विच भी इसी में एम्बेडेड है टर्न इंडिकेटर है और हॉर्न का स्विच है सो फिर बेसिक अब इसे स्टार्ट जब करते हैं तब इसमें कोई आवाज नहीं आती है स्टार्टर की ये सर्विस स्टार्ट हो गई है और बहुत ही सॉफ्ट और रिफाइंड इसका इंजन नोट है एग्जॉस्ट नोट है एंड दिस फील्स ऑल्सो वेरी वेरी स्मूथ स्टोरेज के लिए यहाँ पर आपको एक रिट्रेक्टेबल हुक मिल जाता है फ्रंट में और सीट के नीचे यहाँ पर कोई हुक नहीं है यहाँ पर सिर्फ हिज है इसके सीट के लिए और सीट के नीचे की जो जगह है वो ट्वेंटी वन लीटर्स की है पहले की तरह ही उसमें कोई चेंज नहीं है और जो फ्यूल फिलर कैप है वो भी इसके सीट के अंदर ही है यानी बाहर नहीं है फ्यूल भरने के लिए आपको सीट खोलनी पड़ती है एक बात ज़रूर है कि फसिनो जो है ये बहुत ही स्टाइलिश स्कूटर है और इसके जैसी दिखने वाली स्कूटर और कोई भी नहीं है आप रोड पर इसे लेके चलेंगे तो ऑफ़कोर्स आप एक डिफरेंट स्टाइल स्टेटमेंट भी बनाते हैं बहुत ही स्टाइलिश किस्म की स्कूटर है अब काफ़ी लोगों को इसका लुक पसंद आता है काफ़ी लोगों को नहीं आता है बट मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है जो बहुत ही ज़्यादा क्लासिक भी लगती है अब इसका जो इंजन है ये 125 ट्वेंटी का है फ्यूल इंजेक्शन है और चेंज जो हुआ है उसमें वो एक काफ़ी मेजर चेंज है इसमें बेसिकली एक मोटर आता है जिसे एस यानी स्मार्ट मोटर जनरेटर कहते हैं और ये जो चार्जर है ये इसके ऑन बोर्ड बैटरी को चार्ज करता है और इस मोटर की वजह से अराउंड थर्टी जो है इसके ओवरऑल टॉर्क में इंक्रीमेंट हुआ है अब इसके पावर फिगर्स की बात करें तो इसमें 8.2 पॉइंट का पावर है और जो टॉर्क है ये 10.3 पॉइंट का है जो काफ़ी अच्छा है 0.6 सिक्स एन जो है इसका बढ़ गया है पहले से और चलाने में इसे नोटिस आप ज़रूर कर सकते हैं एक और ख़ास बात फसीनों में ये है कि जो लो एंड टॉर्क है इसका ये बहुत ही अच्छा है यानी कि जब आप स्टैंडसिल से निकलते हैं या फिर जब आप ट्रैफिक सिग्नल से निकलते हैं तो आपको जो सर्ज ऑफ पावर मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है और एक और ख़ास बात यह है काफ़ी लोग हमें पूछते हैं कि ये हिल एरियाज़ के लिए स्कूटर कैसी है तो हिल एरियाज़ के लिए ये काफ़ी सूटेबल है क्योंकि ये जो टॉर्क है आपको बहुत अच्छा मिलता है इंक्लाइंस भी, भी ये काफ़ी स्मूदली क्लाइम कर लेती है इनफैक्ट मिड रेंज में जो इसकी पावर डिलीवरी है यानी 30 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर के बीच में ये भी इसकी काफ़ी अच्छी काफ़ी स्ट्रॉग पावर डिलीवरी आपको मिलती है इसमें इसलिए भी चलाने में काफ़ी मज़ा आता है इसे सिटी में चलाने के लिए ये आइडियल है ग्राउंड क्लियरेंस इसका 145 फोटी mm फाइव का है और सीट हाइट जो है 780 एट्टी mm एम की है फसीनों का सस्पेंशन है ये थोड़ा सा स्टिफर साइड पे है और स्पेशली आप जब बहुत स्लो स्पीड्स पे हैं तब आपको महसूस होगा लेकिन अगर आप एक बार 50 या 60 के स्पीड पे चलाएंगे तो ये आपको काफ़ी स्मूथ लगती है लेकिन ये जो स्टिफ सस्पेंशन है ये इसके हैंडलिंग में काफ़ी हेल्प करता है हैंडलिंग बहुत ही अच्छी है और एक बहुत ही खास बात फसिनों की ये है कि इट इज़ अ लाइटेस्ट स्कूटर यानी कि नाइनटी नाइन इसका वेट है हाइब्रिड uh, में इतने इंप्रूवमेंट्स होने के बाद या एडिशन होने के बाद भी वेट में कोई चेंज नहीं हुआ है 99 नाइन वेट है और ये बहुत ही हल्की है ना सिर्फ चलाने में बल्कि आपको अगर पार्किंग से निकालना है इसे पार्क करना है तब uh, ये ओवरऑल हैंडलिंग में भी बहुत ही हल्की लगती है तो इसलिए भी ये बहुत ही यूनिक स्कूटर बन जाती है पसिनो हाइब्रिड की जो एक शोरूम प्राइस है ये सेवेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड यानी प्राइस में भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट जरूर हुआ है लेकिन ओवरऑल अगर हम इसे देखें तो ये चलाने में और इम्प्रूव हो गई है पहले से टॉर्क इंप्रूव हो गया है तो सिटी में चलाने के लिए स्लो स्पीड से चलाने के लिए आपको इसमें और भी मज़ा आता है पहले से ज़्यादा हैंडलिंग इसकी हमेशा अच्छी थी वो इसमें बरकरार है और हल्की भी है तो यूज़ करने में ये ओवरऑल काफ़ी अच्छी है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आ गया है ये एक एडिशन है प्लस आपको ब्लूटूथ भी मिल जाता है इसमें तो ये कुछ इंप्रूवमेंट इसमें हुए हैं एलईडी ई डी हेडलैम्प इज़ वन मोर वेरी गुड फीचर जो इसमें ऐड हो गया है कुछ फीचर्स इसमें और भी हो सकते थे जैसे कंपटीशन में आते हैं लेकिन आ, अगर हम इसे एक अलग नज़रिए से देखें यानी कि जो स्टाइलिंग है इसकी खास तौर से आ, वो अलग है तो अगर आपको एक अलग स्टाइल स्टेटमेंट बनाना है आपको अलग रहना है क्राउड से तब फसिनों आपके लिए बहुत ही सूटेबल है इंजन इसका बहुत ही स्मूथ और रिफाइंड है प्लस फ्यूल एफिशेंसी भी जो है आपको इसमें ये बहुत अच्छी मिलती है तो आप हमें कमेंट्स में बताइए दोस्तों कि आपका क्या ख्याल है इस फसिनो हाइब्रिड के बारे में क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे या नहीं आ, मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी है और आई एम श्योर कि आप इसे राइड करेंगे तो आपको भी ये पसंद आएगी इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए गियर फ्री को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जब भी स्कूटर चलाएँ सेफली चलाएँ हेलमेट जरूर पहनें